좋다. 세포 매말 때세하리. 아 세포 세 빨래 말이야지. 우스코 말 아무것도 못하는 자리. 눈에 그리야 다야라. 좋다. 마이 엣 가립 마리나. मेरे पास दुनिया में कुछ भी नहीं था मैं किसी तरह जी रही थी भटक रही थी मैं एक घास बेचने वाला व्यक्ति हूं अब घास बेचते बेचते अब मैं एक बात बोलती हूं विधवा हूं महिला लोग को मैं पूछती हूं जो महिला विधवा हो जाती है उसके लिए कितना कठिनाई होती है कि नहीं होती है बच्चों को पालना काम करना और अपना जिंदगी को चलाना मुश्किल होता है yes, वही मुश्किल मेरे साथ था और मैं तरह तरह से काम तो किया करती थी और घास भी बेचा करती थी लोहा सपना तो बड़े बड़े देखा करती थी बड़े बड़े बिल्डिंग को देखा करती थी खासकर मेरा भी बिल्डिंग हो खासकर मेरा भी बैंक बैलेंस हो खासकर मेरा भी जिंदगी अच्छा जिंदगी लग्जरी जिंदगी हो मैं मन मन में सपना देखा करती थी लेकिन सामने वह सपना बहुत दूर चल जाती थी अचानक ये सेफ शॉप बिजनेस आप लोग को ढेर सारा भीड़ भराता है और मीटिंग वोटिंग देखे होंगे मैं रास्ता चलते मेरे लिए सेफ शॉप का बिजनेस मिला मैं खास बेच के लौट रही थी आज तो बड़ी सुंदर दिखती हूं जब सेफ शॉप में नहीं थी तो मेरा बाल पूरा आज साड़ी फटा हुआ साड़ी रहता और आज मैं चश्मा लगा रही हूं और आज मैं मेरा चेहरा गोल मटोल है और शरीर भी गोल मटोल है जब मैं घास बेचा करती थी तरह तरह के काम करती थी उस दिन मैं इतने मोटी की थी इतने मोटी चौथा मैं रास्ता चलते मुझे प्लान मिला और प्लान देने वाला हमारे गुरु भगवान और एक हमारे गुरु जो मुझे पानी बरसात धूप जाड़ा सब चीज में मुझे मदद किया एक बार मिस्टर बसंत मुंडा के लिए जो था मैं प्लान तो देखी प्लान देखी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं आज हजार रुपया डेढ़ हजार का साड़ी पहनी हूं आज पांच हजार का कोट पहनी हूं लेकिन पढ़ी लिखी नहीं
जिद्दी औरत हूं, मैं बहुत जिद्दी औरत हूं, चलना है तो चलना है, करना है तो करना है। जिद्दी के बदौलत आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। ये कोई घास बेचने वालों के पास पैसा आता है क्या? नहीं। जो था मैं प्लान देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब मैं इतना घूट घूट के जीती हूँ तो अगर इसमें मैं धीरे धीरे काम करूंगी, ना उसमें घास ढोना है, ना उसमें गोठा ढोना है, ना कुछ भी नहीं करना है। घूम घूम के लोगों को बताना है, सिस्टम को फॉलो करना है और इसमें पैसा कमाना है। जो था मैं तुरंत हमारे खड़ा है, तुरंत मैं बोली यस सर, मैं घबरा के फिर बोली यस सर, मैं ज्वाइन करूंगी। हमारे गुरु का सांस अटक गया, अटक गया। बोलता है इतना बुद्धि को मैं ज्वाइन करूंगी, अगर नहीं कमाने सकी तो मुझे गाली दे। मैं अपना गरीबी को, मैं अपना घूट घूट के जी रही थी, उसको मैं दूर करने के लिए मैं ये सेब चौक को मैं अपना ली, और सेब चौक को अपना ली, और सब को बोली मैं यह सब मैं ज्वाइन करूंगी। मात्र मेरे पास 1700 रुपया था। मैं आईडी लगा ली और बोली सर 3 दिन समय दीजिए, अब जब था विश्वास बना के मैं लोहरदगा में खड़ी थी और अभी भी खड़ी हूँ। और मैं दूसरे दिन से मैं कलेक्शन करना शुरू की, 100, 1000, 500, 4000 करते करते 3 दिन में 48,000 रुपया जमा की थी। 48,000 आए और मैं 3 आईडी से ज्वाइनिंग करा ली, 3 आईडी ज्वाइनिंग करा ली। उसके बाद में मैं ऊपर हूँ, मेरा बेटा बायां साइड में, मेरी एक बेटी दाहिना साइड में। 3 आईडी से ज्वाइनिंग की और एक दिन भी नहीं बैठी। सात को मैं बोलती थी, 4 बजे भोर में फोन करके बोलती थी सर उठेगी नहीं उठेगा। सर बोलते थे कि मैं बिस्तर में हूँ, जल्दी उठिए, मेरा खाना पीना सब तैयार हो गया, मैं रेडी होके मैं निकल रही हूँ। और मैं रोज किनारे खड़ा रहती थी। आजकल जो मैं लोग खाद लाने जाओ
paman।